2001 मार्च का समय है। यशवंत सिन्हा जी का जो बजट है, एनुअल बजट है, वो आ चुका है। एंड इसके आते ही एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक फोन कॉल लगता है। और वो फोन कॉल कुछ इस तरह का रहता है। हेलो, थोड़ा अंग्रेजी में रहता है, सो प्लीज डोंट माइंड, मैं दो लाइन अंग्रेजी में कहूंगा। हेलो, एंड्रयू हैज आस्क्ड टू क्विकली सेंड हिम ऑल द पेपर्स बिटवीन 3 o'clock टू 4 o'clock विदाउट अ फेल फॉर ऑल 3 months। आप लोग सोच रहे हो ये क्या बावला बावला हो गया क्या अभिषेक, व्हाट इज इस सेइंग? अब इसको ध्यान से सुनिए, ये भाषा किसी और चीज की नहीं है, भाषा थी ऑपरेटर्स की। इसका मतलब क्या था, इसको ध्यान से क्रैक करने की कोशिश करते हैं। आप लोग खुद हैरान हो जाओगे किस तरह की लैंग्वेज में ये बात होती है। शायद आपके आसपास भी कभी हो गई होगी और आपको पता भी नहीं होगा, इतने बड़े सौदे हो गए। एंड्रयू मीन्स एक FII, एंड्रयू वॉज अ कोड वर्ड फॉर FII। अलग अलग नाम होते थे, माइकल होता था, फिलिप होता था, बहुत सारे अलग अलग नाम होते थे। सो एंड्रयू मतलब FII। जो समय बताया गया, दैट वाज 3 o'clock टू 4 o'clock, ये BSE के कोड्स रहते हैं। बेसिकली आप जब भी कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसपे आपने देखा होगा BSE NSE का कोड होता है, 318, 489, 1074। सो 3 o'clock टू 4 o'clock उस समय पे जो टॉप आईटी कंपनीज थी, उन सब के कोड कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में फॉल डाउन करते थे। स्पेसिफिकली जो एक किसी व्यक्ति के बहुत फेवरेट थे, स्पेसिफिकली 376 फॉर एग्जांपल, वो सत्यम का कोड था। एंड लाइकवाइज, तो 3 से 4 मतलब ये स्क्रिप्ट की बात की जा रही है, कौन से स्टॉक को फोकस करना है। एंड जो मंथ्स बोला कि सारे पेपर्स ऑल मंथ्स को आपको फटाफट सेंड करना है, मतलब सेल करना है, और पर मंथ मतलब 10 लाख 10 लाख शेयर। तो बेसिकली इस कॉल का मतलब ये था कि FII के थ्रू ये खबर आ चुकी है कि वो लाखों में शेयर्स बेचने वाले हैं अपने इंडियन यूनिट्स के साथ। पता नहीं क्यों क्यों, लेकिन आप लोग भी सेल करना शुरू कर दो। ये कॉल आते ही कुछ समय बाद और इसी तरह के सिमिलर कॉल्स काफी लोगों को आए और बाजार उस दिन 15 से 20% गिर गया। ये वैसे गिरा क्यों था, ये गिरा क्यों था, ये अभी तक तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका आफ्टर मैथ देखते हैं। कोलकाता से पुलिस वालों ने अपने डिटेक्टिव्स भेजे हैं मुंबई में। ये कोलैप्स हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है दया, इतना बड़ा कोलैप्स सेंसेक्स में 15 से 20% का एक दिन में, कुछ तो गड़बड़ है। बिकॉज अगर ये फॉल ग्लोबल मार्केट्स के एट पार होता तो एक बार में समझ में आता कि चलो देर हैज बिन सम इश्यूज ऑन द ग्लोबल फ्रंट बिकॉज ऑफ विच दिस फॉल हैज टेकन प्लेस। बट यहां पर इतना बड़ा फॉल क्यों आ रहा है, और ये कोड वर्ड में बोल बोल के ऑपरेटर्स और FII सेल क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है? ये बात आपको बहुत जल्द समझ में आएगी, लेकिन पहले समझते हैं जस्ट उसी के कुछ दिनों बाद हुआ एक हादसा से। कोलकाता से भेजे गए हैं कुछ डिटेक्टिव्स और वो डिटेक्टिव्स हिरासत में लेते हैं एक व्यक्ति को। ये जो व्यक्ति है ये एक टॉप शॉट बन चुका है मुंबई में, एवरीवन नोज हिम, बट कोई भी इसका नाम नहीं लेना चाहता था। हर कोई जानता है द पावर द इन्फ्लुएंस दिस पर्सन हैज, बट नो वन लिटरली वांट्स टू मेस अप विद दिस गाय। और जब इस बंदे को हिरासत में लिया गया तब ये कोलकाता के डिटेक्टिव्स बिल्कुल जानते थे कि अगर इसे नॉर्मल रूट से एयरपोर्ट लिया गया और वहां से कोलकाता ले गया गया तो ये किसी ना किसी तरह यहां से भाग निकलेगा या ये कोई तरकीब निकाल लेगा, बिकॉज ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज सुपर इंटेलिजेंट। तो इसके लिए ये लोग क्या करते हैं, इसके लिए ये लोग एक तरीका निकालते हैं। ये लोग बोलते हैं 4 बजे की फ्लाइट है जेट एयरवेज के, जेट एयरवेज के भी हवाले निकल गए, बट ये हम बात कर रहे हैं 2000s में, अर्ली 2000s में। जेट एयरवेज की फ्लाइट है, 1 बजे ये चीज हो चुकी है। जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया वो ऑलरेडी काफी टेंस्ड है कि यार बॉस ये क्या कर दिया है, मेरे को तो बड़ा लोड हो रहा है, दे हैव एक्चुअली टेकन मी इनटू कस्टडी। वो सोच ही रहा है कि भाई एक बार अगर ये कोलकाता ले गए तो मेरे लॉयर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यहीं पर दीज डिटेक्टिव्स आर इक्वली स्मार्ट, वो लोग गाड़ी को घुमाते रहते हैं और एक अननोन रास्ते से, याद रखिए ये वो समय है जब हमारा वो जो मोबाइल पे हम क्या करते हैं GPS VPS इतना वो कुछ नहीं रहता था, तो एक अननोन रास्ते से ताकि कोई इनको फॉलो बैक ना कर सके, ये ले लेके समहाउ दे गेट सक्सेसफुल, 90 मिनट्स का टाइम पास करके ये पहुंच जाते एयरपोर्ट पे। अब यहां पर ये लोग जब काउंटर पे जाके, बिकॉज इनका अरेंजमेंट रहता है एयरपोर्ट वालों के साथ कि हम ये आएंगे, इस व्यक्ति को हिरासत में लेंगे, लेके जाएंगे और वहां पर सारी पूछताछ होगी, ये करने ही वाले जाते हैं कि अचानक से एक इंसिडेंट हो जाता है। जो व्यक्ति को हिरासत में लिया था वो अचानक से फ्लोर पे गिर जाता है, ढंग से
जोर से आवाज होती है, और जो कांस्टेबल साथ में रहते हैं इनके, जब हिरासत में लेके जाता है डिटेक्टिव और पुलिस, जो कांस्टेबल रहते हैं वो अब डर जाते हैं कि शिट, हम बिना बताए यहां से इसको उठा के ले जा रहे थे हमारी कस्टडी में, अगर किसी तरह यहां पर ये चीजें हुई तो हम बीच में फंस जाएंगे, और दूसरी चीज है अगर इसको अब यहां से बाहर वापस लिया गया तो हो सकता है हमारे हाथ पे वापस नहीं आए। और दोस्तों इनका शक बिल्कुल सही था, बिकॉज एग्जैक्टली क्या हुआ था कि जो एयरपोर्ट में आपको पता होगा कुछ वहां के जो चेक करने वाले थे डॉक्टर्स रहते, उनने आके देखा तो उनने बोला भाई साहब इनका बीपी तो बहुत बढ़ गया है, वेरी हाई ब्लड प्रेशर, इनको तो फॉरन एडमिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये, अब देखिए ये क्या हेल्थ की चीज रहती है, तो हेल्थ की चीज में चाहे पुलिस हो या डिटेक्टिव हो कोई कुछ बोल नहीं सकता, तो दे हैड टू फाइंड आउट कि यार अब हम क्या करें, बिकॉज 180 बाय 110 बीपी हो चुका है। तुमने बोला ठीक है, तो पास में ही एक हॉस्पिटल था जहां पर इनको ले जाने का व्यवस्था किया गया। हॉस्पिटल पे जाने के बाद उनने बोला कि यार ये अभी तो सब नॉर्मल है, ऐसा करके सब बढ़िया है, सब ठीक है। तो कोलकाता वाले बोलते ठीक है फिर हमको ले जाने दो, बट इनने बोला नहीं, रूटीन वो है कि हमको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, बिना इसके हम जाने नहीं देंगे। लेकिन यहीं पर प्लॉट में एक और ट्विस्ट आता है, अचानक से एक और जगह पे कॉल लग जाता है, और वो कॉल लगता है, आप गेस भी नहीं कर पाओगे, वो कॉल लगता है अश्विन मेहता को। नाम सुना है आपने कभी? अरे अभी अभी तो सीरीज में देखा होगा। अब आपका दिमाग घूम रहा होगा अश्विन मेहता का क्या लिंक आ गया यहाँ पर बॉस, तो क्या ये हर्षद मेहता था? नहीं, ये हर्षद मेहता था ही नहीं, क्योंकि हम कोलकाता वालों की बात कर रहे हैं, ये तो कोई और था। बहुत ट्विस्ट आ रहा है ना, डोंट वरी, सब्र रखिए, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। और इसी के बाद कुछ क्षणों में एक लॉयर आ जाते हैं जो कि डिफेंड कर लेते हैं यहाँ पर, और इनको बेल मिल जाती है। इन शॉर्ट 6 घंटे का जो पूरा ड्रामा रचाया गया, कोलकाता से जो पुलिस वाले और डिटेक्टिव वाले ये सारे लोग आए थे, उनको खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, जो ऋतिक का गाना था वैसे इनको जाना पड़ा। तो दोस्तों ये व्यक्ति जो था उसकी शुरुआत भी यहां से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी आज की पूरी चीज उसी के ऊपर है। आशा करता हूं आप लोगों को पूरी सीरीज बहुत रोमांचक लग रही है, कुछ नया नया सीखने मिल रहा है, और आई एम एबल टू सी द क्यूरियोसिटी अमंग्स यू पीपल। अगर कुछ भी पसंद आए तो बेशक लाइक करते जाइए, और आज अपना टारगेट कुछ बड़ा रहेगा, लेकिन पहले हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ था। तो दोस्तों इसकी कहानी शुरू होती है, ये तो हमने 19 साल पहले की बात बताई, ये जो सारा पूरा इंसिडेंट हुआ था, जो पुलिस आया था, ये हुआ था, लेकिन इस कहानी की शुरुआत उसके भी 9 साल पहले शुरू हुई थी। ये 9 साल पहले कब शुरू हुई थी? जब लग्जरी कार से दोपहर के 12:30 बजे 2 कदम उतरते हैं, साथ में उनके साथ 2 और व्यक्ति उतरते हैं, और सामने मीडिया हाउस खड़ी रहती है, और ये जू का एनवायरनमेंट है। जी हाँ, ये जू के सामने, मुंबई जू के सामने एक व्यक्ति पहुंचता है, और ये कोई और नहीं, ये है हर्षद मेहता। हर्षद मेहता को देखते ही, बिकॉज ही हैज एक्चुअली गेन्ड अ कल्ट स्टेटस, 90s की बात चल रही है, एवरीवन इज गैदरिंग अराउंड हिम, लोग उसको सेलिब्रिटी समझ रहे हैं, मीडिया लाइव कवरेज कर रही है। चलते चलते ये जू के अंदर सीधे जाते हैं जहां पर बेयर्स का केज है, जहां भालू रहते हैं, और वहां पर मूंगफली और चने डालते हैं, और ये लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है टीवी पे। ये जीत का आगाज है और ह्यूमिलिएशन है उन बेयर्स के लिए, जो लोग अपोलो टायर और ACC के काउंटर पे मेहता साहब से भिड़ लिए। यहां पर 2 सिचुएशन हो रही थी जब ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। BSE टावर्स में 4 व्यक्ति बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, 3 चेले 1 गुरु। तो चेले बोलते हैं कि यार ये हर्षद ने ना नाक में दम कर दिया है, पता नहीं इसको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, और ये तो ताबड़तोड़ तरीके से खरीदे जा रहा है, जिसपे कि इनके गुरु जो कि मनु मानिक जी रहते हैं वो सीधे सीधे कहते हैं कि कौन है ये हर्षद, राधे राधे, टाटा है, अंबानी है, बिरला है, एक दिन राधे राधे इसके अंदर गाड़ देंगे। पॉइंट सिंपल सा था, ये लोग विचलित हो चुके थे कि ये बेसिक बाइंग कहां से आ रही है। लेकिन जहां पर ये लोग विचलित हुए थे वहीं पर उसी टावर से कुछ दूर पे एक और व्यक्ति था जो अपने ही खुद के ब्रोकरेज, फैमिली ब्रोकरेज NH सिक्योरिटीज में वर्क करते करते ये देख रहा था और इंस्पायर हो रहा था कि यार बॉस बनना है तो इसके जैसे बनना है, मतलब देखो क्या रुतबा है, क्या पैशन है, और खरीदता है तो बिल्कुल, मतलब ये हमारे इधर का बचन है, ये हमारे इधर का सचिन है। और उसको ये लग रहा था कि यार देखो अगर मुझे बड़ा बनना है तो मुझे बड़े लोगों जैसा सोचना पड़ेगा और मुझे बड़े लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। ये फैमिली बिजनेस ब्रोकरेज में जो कि बहुत रेप्यूटेड थी NH सिक्योरिटीज, उसमें इतना दम नहीं बनेगा, तो मुझे कुछ एक नया करना पड़ेगा। और दोस्तों यहीं से एम्बिशन और
एक नए स्कैम की शुरुआत होती है जिसका नाम है केतन पारेख स्कैम। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये इंसिडेंट की शुरुआत कहां से हुई और बैकड्रॉप आपको बताया है, तो यहां पर केतन पारेख जी ने जब डिसाइड कर लिया कि आई वांट टू प्ले समथिंग बिग, आई वांट टू डू समथिंग न्यू, सो व्हाट ही डज इज केतन पारेख भाई पहुंच जाते हैं हर्षद मेहता जी के ग्रोमोर एसेट रिसर्च फर्म के इधर। हर्षद मेहता से इनकी बात होती है। ये कहते हैं, यार हर्षद मेहता जी, आपके जैसा बनना है अपने को, बड़ा खेलना है, ये छोटा मोटा विजन पुराने लोग, बिकॉज मैं जो देखता हूँ हर कोई ब्रोकरेज से बनाने पे लगा हुआ है, छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, फ्रंट रनिंग कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि ये फ्रंट रनिंग क्या होता है, तो ब्रोकर्स के पास जब किसी बड़े व्यक्ति का ऑर्डर जाता है, मान लो अंबानी का जा रहा है, टाटास का जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो ऑब्वियसली द फर्स्ट पर्सन टू नो अबाउट एनी ब्लॉक और बल्क डील इज ऑब्वियसली द ब्रोकर्स। तो ब्रोकर्स क्या करते हैं, जैसे अगर उनको पता है कि आज 2 करोड़ शेयर 100 रुपए में बाय होने वाले हैं, तो व्हाट दे विल डू इज दे नो कि इसके बाद ये 20% तो जाना है, 25% सर्किट मारेगा, तो व्हाट दे विल डू इज वो 99 पे ही बाय कर लेंगे अपने कुछ ऑर्डर्स, अपने अकाउंट से नहीं करेंगे ताकि डाउट ना हो। पिताजी को फोन कर दिया, कजिन को फोन कर दिया, गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड को कॉल कर दिया, बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड को कॉल कर दिया, बिकॉज मेट्रो में चलता है बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड की बॉयफ्रेंड, तो वो उठा लिया उस तरह से, और बाद में उन लोगों ने सेटलमेंट कर लिया। तो इनको एक चीज इनने बोला कि देखो यार, इन सब में ना इतना पैसा नहीं, मुझे आपके जैसा बनना है। तो इसमें मेहता साहब की जो कन्वर्सेशन होती है वहां पर, जो छोटी मोटी होती है, वो उसमें बोलते कि देखो बॉस, तुमको क्या लगता है बाजार में बड़ा पैसा बनाने के लिए क्या ये सिर्फ स्टडी करना इज गुड इनफ? तो ये बोलते, मुझे तो अभी तक यही लगता था। तो बोले, नहीं, पैसा ही पैसे को खींचता है। और दोस्तों, यहीं पर उनने अपने सबसे बड़ा हिंट दिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे केतन पारेख, है मतलब अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। सो उनको मेहता जी के साथ, मेहता साहब के साथ काम करने मिल गया, केतन भाई साहब काम करने लग गए इन लोगों के साथ। अच्छा देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने ये एक्रोनिम्स और इन सब का भी थोड़ा कुछ लिटरल मीनिंग ले लेते हैं। देखो, फ्लो में जैसी कहानी चल रही है मैं बताता रहता हूँ, अब उसमें प्लीज डोंट माइंड कि किसी को जी लगा दे, किसी को भाई लगा दे, आनंद लो भैया इस चीज का। तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है कि हर्षद मेहता के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, बिकॉज पिछले 3 पार्ट में हमने हर्षद मेहता का स्कैम और हर्षद मेहता भाई का किस तरह वो पकड़े गए, किस तरह मनु मानिक पड़े, ये सारी चीजें हो गई थी। लेकिन अब आगे क्या हुआ केतन पारेख के साथ, वो जानने की बारी है, क्योंकि अब धीरे धीरे राइज होना शुरू हो गया है। ठीक है, एंड दोस्तों, इस बार का टारगेट थोड़ा बड़ा है, बट मुझे पता है आप लोग बिल्कुल अचीव कर लोगे। दिस टाइम वी आर टारगेटिंग 15,000 लाइक्स, 15,000 लाइक तो बिल्कुल एनग्रॉस होते होते लाइक जरूर कीजिए। एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, पिछले बार विद इन 24 आवर्स हम 10,000 लाइक्स के ऊपर पहुंच गए थे। पिछले बार मैंने कहा था कि हम जल्दी अपलोड करेंगे, तो मैं संडे अपलोड करने वाला था, उसको वेडनेसडे अपलोड कर रहा हूँ। इस बार गारंटी इस चीज की है, बिकॉज इस बार अब थोड़ी तबियत धीरे धीरे रिकवर भी हो रही है, तो इतने जल्दी वीडियो आएगा। तो जिस दिन, अगर आप आज रात तक ही 12 बजे तक 15,000 करते हो, विद इन 24 आवर्स नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। अदरवाइज डोंट वरी, अगले थर्सडे तक तो आ ही जाएगा, बट अगर जल्दी चाहिए तो देख लो भैया। सो मेक श्योर यू कीप हिटिंग द लाइक बटन एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि जल्दी आपको नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट इज नॉट डायरेक्टली द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, नेक्स्ट पार्ट में आपको कुछ रियल टाइम फुटेजेस भी दिखाऊंगा ऑफ दोस टाइम्स। तो अगर आप लोग क्यूरियस हैं, इंटरेस्टेड है, तो मेक श्योर करते जाइए। चलिए, कमिंग बैक टू दिस थिंग। सो यहाँ पर अब केतन पारेख के दिमाग में नई नई चीजें चलती है। अब कुछ मजेदार चीज बताता हूँ। आजकल एक स्टॉक है ट्विटर पे, हर जन के जुबा पे रहता है, तो ये 97-98 की बात है, हर्षद मेहता कांड हो चुका है, केतन पारेख भी 1 साल के लिए जेल होके आ गए हैं कैनफिना म्यूचुअल फंड के कांड में। म्यूचुअल फंड के साथ मिलके धंधला कर ली थी 92-93 के, उस कांड को अपन बाद में कभी डिस्कस करेंगे, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं। 97 पे केतन पारेख का सबसे बड़ा हाथ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जमा है, उनका हाथ जमा है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को के सभी बड़े ब्रोकर, सभी बड़े प्लेयर, सभी बड़े ऑपरेटर को पता है कि कोई साइलेंटली बड़ा खेलता है यहाँ पर, लेकिन कोई उसका नाम नहीं लेता और कोई उससे मैसअप नहीं करता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था।
अब यहां पर केतन पारेख का दबाव लाइक वाइज ऑफ हर्षद मेहता चल रहा है, लेकिन केतन पारेख ने तीन चीजें उस जू वाले इंसिडेंट के टाइम पे नोट कर ली थी। पहली चीज, अगर मैं बहुत लैविश लाइफस्टाइल अपना फ्लॉन्ट करूंगा तो लोग जलते हैं और पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे वो नहीं करना है। पैसे कमाऊंगा लेकिन किसी को दिखाऊंगा नहीं, तो उनने वो चीज सीखी। दूसरी चीज, जो हर्षद मेहता कांड के बाद अपने गुरु के पकड़ जाने के बाद उन्होंने समझा, उन्हें एक चीज समझ ली कि यार बॉस, अगर पैसा कमाना है तो सिर्फ रिटेल के पैसे से अगर कमाने गए तो जिस दिन रिटेल निकल जाएगा उस दिन तो अपन बंद हो जाएंगे। तो बड़ा खेलना है तो बड़ा पैसा लाना पड़ेगा, और बड़ा पैसा अगर सॉलिड वे से लाना है तो वो आएगा इंस्टीट्यूशन से, FIIs से और बैंक से एंड प्रमोटर से। तो उनने ये चीज समझ ली थी कि मुझे किसी तरह सिंडिकेट बना के इस चीज को टैप करना है सो दैट आई कैन गेट गुड अमाउंट ऑफ फंड्स। तीसरी चीज जो उनने यहां पर समझ ली थी, उनने समझ लिया था कि एक साथ उठा उठा के मेरे को ऊपर नहीं ले जाना है, मैं यहां पर थोड़ी बहुत उठाऊंगा, बीच में अचानक से बेचूंगा, फिर नीचे आकर तो उठाऊंगा फिर बेचूंगा। लास्ट में इनने भी अपना सेंस लूज कर दिया था कि अपुनिच भगवान है, लेकिन इनने किसी ना किसी तरह इस चीज को मैनेज जरूर कर लिया था एक लंबे टाइम तक के लिए। तो कैलकटा में इनका जो सबसे फेवरेट स्टॉक होता था वो ट्विटर में अपना सबसे फेवरेट स्टॉक है, जिसपे हम कभी भी जोक्स नहीं बनाते, और उसका नाम है ITC। जी हाँ दोस्तों, ये ITC के ऑपरेटर हुआ करते थे, और कोलकाता में पुराने जो भी प्लेयर हैं आप जान सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, कोलकाता वॉज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इलीगल ट्रेडिंग एंड बदला ट्रेडिंग। इनफैक्ट आज के टाइम पर भी जितने एस्टैब्लिश ट्रेडर्स हैं जो कहते हैं 15-20 साल से वो लोग इसमें है, ब्रोकरेज प्रॉप जो भी है, आप लोग समझ लीजिए समवे और द अदर दे हैव इंडल्ज्ड इनटू इलीगल ट्रेडिंग। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द रियलिटी इज। आजकल सब व्हाइट कॉलर हो गए, जैसे मुंबई में हर कोई व्हाइट कॉलर हो गया मर्डर करने के बाद, बट सेम वाइज उधर भी ऐसी चीज है। अब यहां पर एक चीज हुई होती रहती है कि केतन पारेख भाई यहाँ पर ITC पे वो कर रहे हैं, तो अचानक से एक र्यूमर फैला दिया जाता है बेयर कार्टल के द्वारा कि केतन पारेख ने सुसाइड कर लिया। अब भाई केतन पारेख ने एक चीज डिसाइड कर ली थी, फ्लॉन्ट नहीं करेगा, ज्यादा पब्लिक के सामने नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, तो लोगों को भी डाउट है कि भाई ये सही में तो नहीं हो गया, और अगर इनको हो गया तो ITC तो निपट जाएगा। तो बेयर कार्टल वहां पे सक्सीड हो जाते हैं ITC को गिराने में, धीरे धीरे करके ये र्यूमर्स साफ कर देता है KP, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है तब तक डैमेज हो गया रहता है। फिर 98 के आसपास केतन पारेख क्या करता है, वो सोचता है, एक और काउंटर में घुसता है, वो बोलता है आज इसको मैनिपुलेट करते हैं, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, बिकॉज अपने गुरु ने भी इस काउंटर को अच्छा ऊपर लिया था, मतलब ये अभी भी ऑपरेटर ड्रिवन हो सकता है। वो था ACC सीमेंट जो आपको पता है, उसी को उनने बोला कि भैया चलो इसको अपन लेके चलते हैं। अब ACC भी ऊपर लेके जा रहे हैं तो इनके साथ एक चोट हो गई। चोट क्या हो गई कि वो अपना पोखरण का जो टेस्ट हो रहा था, न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था उस समय पे, उसकी थोड़ी खबरें आने लग गई, थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आने लग गई वहां से। ऊपर से ट्रेड्स जो USSR के साथ थे उसका नेगेटिव एक इम्पैक्ट आने लग गया, पॉलिटिकल फ्रंट पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आने लग गए, जिसके कारण कि इनका ये ट्रेड भी फेल हो गया। इन दोनों ट्रेड में, दैट इज ITC और ACC में, बहुत बड़ा नुकसान। इस बार तो लोगों ने समझ लिया था कि बॉस अब इधर KP का कमबैक नहीं हो पाएगा। याद रखिए अभी तक KP ने दो बार कमबैक कर लिया, एक जो कैनफिना म्यूचुअल फंड 92-93 के आसपास, 91 से 93 के बीच में जो घोटाला किया उसमें एक साल की जेल काट के आ गए, दूसरी बार इधर हो रहा है। अब लोगों को लगा कि भाई अब कमबैक नहीं होने वाला, अब तो ये गया। बेयर कार्टल खुश हो रहा है कि गुरु भी गया चेला भी गया, अपन चिल मारेंगे, अब तो अपन का अपना कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन इसी के बाद KP का सबसे बड़ा कमबैक होता है। वो कमबैक कुछ इस तरह से होता है कि मार्केट में खबर पहुंचती है कि KP एक नहीं मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ बाजार में रोमांच लाने की कोशिश कर रहा है। कुछ फेवरेट स्टॉक्स बन जाते हैं जैसे जी, अडानी, HFCL, DSQ सॉफ्टवेयर, कडीला हेल्थ केयर, SL, कोरपन, निर्मा, कडीला हेल्थ केयर, ये सारी कंपनीज और भी काफी सारी कंपनीज KP के रडार पे आती है, जिसको वो हिलाना शुरू करता है। इसमें से एक कंपनी और आ जाती है जिसको कि वो कहते हैं Pentaphor। लेकिन सवाल ये आता है कि अचानक से ये मैक्सिमम IT, टेलीकॉम और इस तरह की कंपनी में क्यों घुसा जा रहा है, और इसका राज छुपा है 1995 के एक रिपोर्ट में। 1995 को एक विदेशी रिपोर्ट आती है द एज ऑफ इंटरनेट,
जिससे पूरी दुनिया को हिला देता है। यहाँ पर समझ में आता है कि बॉस अब पूरी दुनिया में इंटरनेट का बवाल होने वाला है, द नेक्स्ट फ्यूचर इज ऑफ इंटरनेट और इंटरनेट ही सब कुछ होने वाला है, जिसके कारण ये बवाल मचने शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑफ विच पीपल आर एक्साइटेड एंड पीपल नो दैट इट्स इफ दे वॉन्ट टू मेक मनी इट्स ओनली थ्रू IT स्टॉक्स विच दे कैन मेक मनी। और बाजार में अब माहौल बन चुका है कि KP ये सारी चीजें उठा रहा है, उठा तो रहा है वो बात अलग है, लेकिन पावर आप देखिए, पावर ऐसा है कि जनवरी में KP ऐसा स्टॉक उठाता है जिसका वॉल्यूम सिर्फ 1,000 शेयर ट्रेडेड पर डे होता है, और उसी साल के मई मंथ तक सेम स्टॉक पे 10 से 15 लाख शेयर्स पर डे ट्रेड होने लग जाते हैं, वॉल्यूम बजर्स होने लग जाते हैं और आसमान छूने लग जाते हैं ये सारे स्टॉक। परस्पेक्टिव अगर दे दूं तो जी का शेयर, अभी देखिए अभी बोनस स्प्लिट ये सब हो गया तो प्लीज चार्ट लेके मत बैठ जाना, अब मैं बताता हूं। जी का शेयर में अगर आपने 1998 में मात्र 10,000 रुपीज डाले होते, 10,000 रुपीज जी के शेयर में डाले होते, तो साल भर के अंदर वो मात्र 11 लाख रुपए हो गए होते, 11 लाख। मल्टीबैगर का डेफिनेशन देख रहे हो, HFCL जो 35-37 पे लॉस मेकिंग कंपनी थी वो कोट कर रही थी 700 रुपीज पे, Aftec Infi 45-2100 पे पहुंच गई थी, Ranbaxy जो फार्मा थी 270-1000 चले गई थी, और इसी तरह का एक पैक बना था जिसको कहते थे K10 स्टॉक्स, जो कि है केतन पारेख के 10 फेवरेट स्टॉक्स। कोई गलती से भी यहां पर मैसअप करने की कोशिश नहीं करता था और इनको शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करता, इनफैक्ट धारणा ऐसी बन गई थी कि सुबह उठो आराम से बस ये चीज लो और पैसा बन जाएगा। यहां पर माहौल और गर्म हो रहा था जब UTI केतन पारेख के सारे स्टॉक्स लपक भाव पे खरीद रही थी, 700 करोड़ रुपए UTI म्यूचुअल फंड, ठीक है, और देश की सारी प्रसिद्ध म्यूचुअल फंड खरीद रहे थे। शुरुआत इसकी कैसे हुई थी, कोठारी पाइनियर म्यूचुअल फंड ने अपना एक IT जो सेक्टरल म्यूचुअल फंड होता है वो निकाला 98 में, 18 मंथ्स में उसका NAV कितना हो गया पता है, 11x। दोस्तों मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, स्टॉक की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड 1.5 साल में 11 गुना का रिटर्न। लास्ट कौन सा म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है? अब आप बोलोगे सर हम तो वेबसाइट जाके देखिए दिखता नहीं है, वो वही दिखाते जो आपको देखना है। लोगों को ये भी नहीं पता कि 5-6 साल बाद, 5-6 साल तक अगर म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करता है उसके बाद वो हट जाता है, तो जो म्यूचुअल फंड की इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको लिस्ट से ही हटा देती है ताकि आप कंपेयर ही नहीं कर पाओ। आप कंपेयर वही कर पाओगे जो अगर लॉस में भी है तो एक कंपैरेटिव लॉस है जिसको आप आराम से ले सकते। तो आप सोचो कोठारी म्यूचुअल फंड 18 महीने में इतना दे रही है। और एक म्यूचुअल फंड आई थी अरिहंत, नहीं एक और आई थी जिसका 40% रिटर्न हो गया था विद जस्ट 4 मंथ, अलायंस 40% रिटर्न हो गया था 4 मंथ्स में। म्यूचुअल फंड सोचो इस तरह का रिटर्न। और ये जो स्टैंडर्ड डायलॉग था ना, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है स्कैम, स्कीम, ये बहुत पॉपुलर होने लग गया था। लोग ये मान चुके थे कि ये रैली अब रुकने नहीं वाली है। अचानक से जो स्टॉक आधे थे लॉस मेकिंग थे वो 3-4 महीने में डबल ट्रिपल हो रहे हैं। आईला ऐसी चीज मार्च के बाद इधर तो नहीं हो रही। एनीवेज लेट्स सी, तो अब आपको एक चीज देखनी है, ये इस तरह हो रही है। एक फेमस मैगजीन ने कुछ ब्रोकर से, दलाल स्ट्रीट के बहुत फेमस बड़े बड़े ब्रोकर से इंटरव्यू किया गया। उन्होंने बोला कि देखिए पता तो हमको भी है कि ये बाजार हिला कौन रहा है, बट कैसे हिला रहा है, सुनने में आया बैंक से पैसा लिया है, प्रमोटर से पैसा लिया है, सुना है किसी और से पैसा लिया है, कैसे हिला रहा है ये, और इसको कोई चैलेंज क्यों नहीं कर पा रहा, और क्या हर्षद मेहता की तरह बेयर कार्टल इसको भी गिरा सकता है, तो अगर गिरा सकता है तो इतना लंबा क्यों खींच रहा है भाई इसका रैली, क्यों ये लेट 90s से लेके अर्ली 2000s तक खींच पा रहा है, और लास्ट 18 मंथ्स में तो खतरनाक खींच दिया है, क्यों कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके नहीं पीछे पड़ रही है, क्यों अदर देन 1 जर्नलिस्ट और 2 जर्नलिस्ट कोई भी जर्नलिस्ट इसकी बात नहीं कर रहा, मीडिया वाले क्यों इसको हाइप करते जा रहे हैं डिस्पाइट कि हर्षद मेहता के केस के बाद उसको बदनाम कर रहे थे, यहां पर जानने के बाद भी नहीं कर रहे, और पैसा कहां से आ रहा है। जिसपे कि कुछ ब्रोकर्स ने कहा था कि बॉस अब वो उस लेवल के ऊपर निकल गया बंदा जो ये ऑपरेट कर रहा है, दैट इज केतन पारेख, वो इस लेवल के ऊपर निकल गया है कि कभी पकड़ा जाएगा, अब वो बॉस बन गया, नो वन वॉन्ट्स टू मेस विद हिम, कोई उसको हिला नहीं सकता, वो जम गया है, उसके बहुत सारे सोर्सेस हैं, सुनने में है बड़े लोग उसको फंड करते हैं, वो उनको रिटर्न बना के दे रहा है, इट इज गोइंग वेरी इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, नो वन वांट्स टू मेस, एंड अब हमको नहीं लगता कोई इसको गिरा सकता, बिकॉज हर कोई इसको सपोर्ट कर रहा है। हर्षद मेहता के टाइम पे
वहां पर हेटर्स ज्यादा बढ़ गए थे, सपोर्टर्स थोड़े कम हो गए थे एंड एंड में, लेकिन यहाँ पर सपोर्टर्स ही सपोर्टर्स है, हेटर्स तो हार्डली कोई है। लेकिन इसी टाइम पे बीएसई के टावर पे जो 1992 पे तीन लोगों ने तहलका किया था, उनमें से एक जन रिटायर हो गया था, बाकी दो जन मिलके प्लान कर रहे थे कि बस ऐसे तो नहीं चलेगा, इतना ऊपर नहीं जा सकता है शेयर। तो क्या किया इन लोगों ने और कहां से आ रहे थे केतन पारेख को इतने सारे पैसे, भाई कौन दे रहा था अनलिमिटेड पैसे 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 पैसे, और क्यों कोई मेसअप नहीं करना चाहता था केतन पारेख के साथ, अब सब कुछ इसी वीडियो में बता दें क्या। ये था राइज ऑफ केतन पारेख, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। और नेक्स्ट पार्ट अगर जल्दी चाहिए, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, 15 लाख का टारगेट है, अगर दोस्तों जल्दी कर दिया तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग। एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर कि आपको आज के इस पूरे वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या लगी। इसी तरह के वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, एंड जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, कीप कॉपिंग। We'll be right back.